इंडियन आर्मी का भर्ती आया है। ये भर्ती है आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस तिरुचिरापल्ली, और ये आर्मी रिक्रूटमेंट रैली आयोजित होगा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम नागापट्टिनम तमिलनाडु में, जो कि 3 जनवरी 2020 से 13 जनवरी 2020 ये डेट में ये आर्मी रिक्रूटमेंट रैली आयोजित होगा। ये आर्मी रैली भर्ती तमिलनाडु स्टेट के कैंडिडेट वालों के लिए है। हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन है चेन्नई, आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस है तिरुचिरापल्ली। ये आर्मी रिक्रूटमेंट रैली में तमिलनाडु के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट एलिजिबल कैंडिडेट भाग ले पाएंगे, देखिए 14 डिस्ट्रिक्ट के एलिजिबल कैंडिडेट इस आर्मी रिक्रूटमेंट रैली में भाग ले पाएंगे तमिलनाडु के। वो 14 डिस्ट्रिक्ट है पेरम्बलुर, अरियालूर, तिरुचिरापल्ली, करूर, थानाजावूर, थिरुवरूर, नागापट्टिनम, पुदुक्कोट्टई, शिवा गनगाई, रामनाथापुरम, विरुदुनगर, थूथुकुड़ी, तिरुनेलवल्ली, कन्याकुमारी, और एक डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी का है पुंडुचेरी। ये डिस्ट्रिक्ट के एलिजिबल कैंडिडेट इस आर्मी रिक्रूटमेंट रैली में भाग ले पाएंगे। PFT, PMT, मेडिकल टेस्ट, ये सबका जानकारी होगा ऑफिशियल वेबसाइट में, आप पढ़ लीजिएगा। इसके पहले जो रिलीजियस टीचर जूनियर कमिश्नर ऑफिसर का था, और हवलदार सर्वायर कार्टोग्राफर का जो अप्लाई किए थे वहाँ पर था, ये सबका जानकारी। और चेक भी कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट से आप। रिक्रूटमेंट का प्रोग्राम आपको एडमिट कार्ड में भेज दिया जाएगा, या फिर जल्द ही अपलोड किया जाएगा joinindianarmy.nsc.in पे। मेडिकल एग्ज़ाम आपका होगा 4 जनवरी, मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कैरिड आउट इफेक्ट फ्रॉम 4 जनवरी 2020, 4 जनवरी से होगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन उसको पढ़ लीजिएगा आप। एज ग्रुप देखिए 1 अक्टूबर 2019 तक कैटेगरी दिया गया है, एज क्राइटेरिया दिया गया है सोल्जर टेक्निकल 17.5 से 23 साल तक, सोल्जर जनरल ड्यूटी 17.5 से 21 साल तक, सोल्जर ट्रेड्समैन 17.5 से 23 साल। रजिस्ट्रेशन 19 नवंबर 2019 से स्टार्ट होगा और 18 दिसंबर 2019 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोसीजर दिया गया है, प्रोसीजर टू अप्लाई ऑनलाइन। अगर आप फर्स्ट टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसको आप फॉलो कर लीजिएगा।
सिलेक्शन प्रोसीजर, पहला होगा PFT जो कि 1600 मीटर का दौड़ होगा। पहला ग्रुप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर, दूसरा ग्रुप 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर। दूसरा ग्रुप, पहला ग्रुप को 60 मार्क, दूसरा ग्रुप को 48 मार्क। बीम यानी कि पुलअप्स लेस देन 6, 6 से कम लगाने पर अनफिट यानी कि डिसक्वालीफाई। मिनिमम आपको 6 लगाना पड़ेगा क्वालिफाई के लिए। 6 पर 16 मार्क, 7 पर 21, 8 पर 27, 9 पर 33, 10 पर 40। पुलअप्स लगाते समय हाथ और पांव सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट, और जॉइंट दोनों आंठों से हटना चाहिए, पूरा आंठों नहीं, नीचे का जो टो पोजीशन का ये होता है। 9 फीट डेट और जी जो बैलेंस वो सिर्फ क्वालिफाई के लिए है। इसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल टेस्ट पे फिट कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे रिटर्न एग्जाम के लिए। अनफिट कैंडिडेट को रिव्यू मेडिकल यानी रिमेडिकल का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिया गया है और फोटोग्राफ और एफिडेविट, ये सब सभी जानकारी यहाँ पर, आप इसको पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। यहाँ पर आपको जितना सर्टिफिकेट दिया गया है और डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, अगर आपके पास है तो उसका ओरिजिनल के साथ जेरोक्स कॉपी भी कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो बनवा लीजिएगा। रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड्स, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप। अधिक जानकारी के लिए त्रिचुरापल्ली का नंबर दिया गया है, टेलीफोन नंबर 0431241254। यह है त्रिचुरापल्ली का, ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindianarmy.nsc.in। ये एफिडेविट का फॉर्मेट है जो आपको फिलअप करके नोटरी से सिग्नेचर करवा कर लेकर जाना है। ये अनमेरिट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। ये बॉडी टैटू सर्टिफिकेट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी का रैली का नोटिफिकेशन का वीडियो और फाइनल रिजल्ट का हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा।